गुरदासपुर की दाना मंडी महारैली के सरबसंघ जी महारैली रिंदू सिंह मानसा जो किसान आगू ने वो भी पहुंच चुके हैं गलबात करते हैं रिंदू सिंह मानसा ने कि किस तरह वेखते हैं इस किसान अंदोलन लैके जड़िया महारैलियां वक् वक् शहरों के की जा रही हैं किस तरह वेखते हो कि ये मोदी सरकार सेंटर सरकार कोई वो सिंघासन में हिलजुल रहेगी असी जिनी लीडरशिप है जो साढ़े वर्कर ने असी तो अंदोलन च लगे हुए ये इतों इलाकों के लोग आपे इकट्ठ करते हैं तो सानू साथ ने इतना सिर्फ आके बोल के जाना है सारा प्रबंध इन्होंने करना जोड़े लोग प्रबंध करते हैं मैं उन्होंने धन्यवाद करता इकट्ठ करें जो व्डिया रैलियां होड़िया कानफ्रेंस होगी महापंचायत हो तो साल घर घर जाऊगी प्रेस राही जाऊगी इतने बोल के दस के जाओगे बोलना यह चलता है ये ठीक है जिस लगातार देखा जाए पिछले झात मार दी है नौ दस महीने तो लगातार किसान अंदोलन कर रहा संघर्ष कर रहा वा पर कि सेंटर सरकार ने कि ना कि लगता नहीं कि किसानों का हक जोड़ा उन्होंने काले कानून रद्द किए जाए क्यों नहीं अजय ऐसा अहम फैसला लै लिया जाता सेंटर सरकार वालों ता जो किसान भी अपने घर वापस परत मतलब सरकार फसी हुई है ये दो जमातों से लड़ाई है ठीक है एक 99% जमात असी है जो लुटे जा रहे हैं 1% लोग ने जो सू लुटते हैं गे उन्हों तो सरकार ने जे कह मैं खाद मोदी का ना लव पैसा लिया इलेक्शन वास्ते उन्होंने जहाज लिया सारा कुछ वरत्या गया असी वोटा दी हाँ लोगों ने उन्होंने वोटर वाले नहीं दिख रहे उन्होंने जहाज वाला दिख रहा जी मैं आम पंडित कोई सरकार देता सार ही नहीं भुलता हूँ अगर असं कहते किसी फलाने का गड्डा मंगया मैंने कहा जट कहना हूँ वो गड्डिया जट का सार नहीं भुलता जी मैंने लांघा ढोल गड्डा दिता यही मोदी का मोदी अब कारपोरेटर घराने के खड़ा है नहीं खाना चाहिए लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया रिंदू जी पंजाब सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कोरोना को लैके कि कोरोना करके जिहड़ियां भी रैलियां वा सारियां बंद कीतियां जाणगियां मुलतवी कर दित्तियां जाणगियां कोई भी रैली नहीं की जाई जिस तरह हुण अज तुसीं आए हो संबोधन करन जां किसान आगू आए ने जां गायकार आए ने पिछले दिन 8 अप्रैल में बटाले दे विच वी एक रैली की गई जिस दी गाइडलाइन जारी की है किते ना किते कोरोना नूं लैके तुहानूं डर नहीं लगदा कि जां सरकारां वल्लों परचे कीते जाणगे इन्हां आगूआं दे उत्ते कोरोना दे आड़ दे विच देख पहलां तां मैनूं बीमारी नहीं समझदा तो मैं ना पिछले साल मूँह बनया ना घर बैठा गा रोजाना अपने दफ्तर आता रहा गा असी नहीं बीमारी जे कैप्टन साहब नूं है भी कट नहीं बंगाल च क्यों होंगे ने आपकी पार्टी है कांग्रेस उत्थे कट कर रही है उत्थे कोरोना नहीं है जिते वोटा पांच स्टेटा च सारिया पार्टियां कांग्रेस उत्थे कांग्रेस कट रही है मैं कैप्टन पूछता उत्थे क्यों कट होंगे ने हुण कैप्टन ने एक तो गल कही थी भी स्कूल बंद कर दो मैं कैप्टन साहब नूं पुछना चाहुंदा फिर ठेके क्यों नहीं बंद करे जी सौ सौ की लार लगी अपने बोतल फटते हैं तो ना जाके घर वाली लड़ते हैं वो तो बंद नहीं करे ये आपके हितों में जानिया सारिया सरकार सरकूर लोगों के हित नहीं जाएगा असी इन कोई बीमारी नहीं समझे ना बीमारी हैगी है कुछ नहीं जुखाम का बंदा कदों नहीं मरता मरदी ने खंघना कदों नहीं मरता मरते हैं एदू जाता बंदे कैंसर ना मर गए कैंसर की गल नहीं करती सरकार जो भयानक बीमारी है इलाज नहीं वो सू मूहे जी बंद की कोठी लग गई मैंने जिन्हों कैंसर कह पता लग भी कैंसर हो गया वो बंदा कहता मैंने कोठी लग लग गई बंदा मरता कर बच बच नहीं सर उन्हें मरते गल नहीं अखंघ जुखाम बारे गल करती है सरकार सिर्फ सू डरा चाहती है साढ़े मूँह बना चाहती है सानू अंदर बालना चाहती है सरकार ने सानू अंदर बाल के दौक रहा तो मैं मोदी को पूछना चाहता मतलब कि बीमारी आ गई बीमारी 20 करोड़ लोग इधरों तुरके इधर इधरों तुरके इधर इधर उधर तुरके मरे ने लोग समझ लै तो उन्होंने तारियां बजाती थालियां बजाती तो मैं ऐ लगता बीमारी छुट्टी दे बागी तो हम दोबारे छुट्टी कट के बीमारी फिर आ गई जो लोग संघर्ष के राह पै गए यू करना चाहिए यही मैं कैप्टन का लगता कहता भी अपने मतलब 9 बजे बह के तड़के 5 बजे तक मतलब कर्फ्यू रो बाहर ना निकलो जिम्मे चौकीदार रखी होंगी बीमारी भी कोरोना रख ही रखता भी चोरी नहीं होगा सब तो यही लगता फिर दिन ही नहीं होगा जब मैं कह रहा पिछली बार बंद बंद मरन गए किमें कि मेरी मैं एक ही गल थोड़ू कह के जाना जो प्रदूषण दोबारे 100 ते पहुँच गया लोग फिर मरन गए इन्हों सरकार सोच लेना चाहिए घट्टो घट 2 महीने सारा कुछ बंद करना चाहिए बा दिने तारे देख वातावरण सुधरी प्रदूषण ना मरन गए बीमारी ना नहीं मरते मरन गए लोग जो फिर कहेंगे भी दूसरे ने मूँह नहीं बनने तो मरे ने आई प्रदूषण 100 ते बग जाते मेरे वर्गे 70 साल ही लमक जाएंगे सारे रहने नहीं हूँ दिल्ली की गल की है दिल्ली भी किसान अंदोलन के उत्ते बैठे ने धरने बॉर्डर के धरने से बैठे ने करोना दे गए जो करोना की गल की जाए फिर उत्थे भी किसी ने मार्ग पाया पर कि ना कि डर लगे सरकार साढ़ा 300 बंदा शहीद हो गया साढ़ा करोना ना नहीं मरिया किसी ने अटैक हो गया किसी ने कुछ हो गया किसी ने कुछ हो गया करोना ना नहीं मरिया दूजे लोग मतलब मरे ने शहीद हो रहे मतलब कोई नहीं मरिया मानसा जी जिस तरह हम सरकार मतलब कि रोज मतलब वो कैबिनेट आती है
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ 3 ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਮਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਹੁਣ ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ 120 ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦਾ ਐਕਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮਰ ਗਏ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਕਰਾ ਲਓ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ 25 ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਖੰਗ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਗਿਲ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋਗਾ ਪਰ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੇਗਾ ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਜੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਲੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਰੋਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਦੋਲਣ ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ 10% ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 90% ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚੋਂ ਬਾ ਕੇ ਲਵਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਸੂਬੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਆੜੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਲੀਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਲੱਸੀ ਲੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਪੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਈ ਜਾਓ ਇਹੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।